नमस्कार, स्वागत है आपका। इस समय आप देख रहे हैं वॉइस ओएमपी न्यूज़। इस समय आपके साथ में दिव्या अठवाल। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। वहीं अब सरकार किसकी बनेगी ये तो 10 नवंबर को ही तय होगा, लेकिन उससे पहले यानी कि उपचुनाव होने से पहले कई वीडियो वायरल हो चुके हैं। जी हां, आपको बता दें कि कई नेताओं के वीडियो वायरल हो चुके हैं। वहीं वीडियो वायरल होने के सियासी गलियारे में हड़कंप भी तेज हो गया है। जी आपको बता दें कि वहीं कांग्रेस के व कई भाजपा के दिग्गज नेताओं के बारे में ऐसे अशब्द शब्दों का भी यूज किया गया है, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं। हाल ही में आपको बता दूं कि कई दिग्गज नेता अपने सत्ता के लालच को लेकर जनता के बीच में यानी कि जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे वे अपनी भाषा की मर्यादाओं को ताक पर रखकर कई ऐसे शब्द बोल देते हैं जो शायद उनको नहीं बोलना चाहिए थे। जी आपको बता दें कि हाल ही में कई ऐसे कांग्रेसी नेता व कई भाजपा के नेताओं के वीडियो वायरल हो चुके हैं, जिन्होंने ऐसे शब्द बोल दिए हैं जिनकी जुबान तक फिसल गई है। वही मैं आपको बता दूं कि एक और वीडियो वायरल हुआ है, जहां पर कांग्रेस के दिग्गज नेता व दिनेश गुज्जर का एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए अशब्द बोला है। क्या है इस वीडियो की पूरी सच्चाई, आप खुद ही देखिए इस वीडियो में। कमलनाथ जी हिंदुस्तान के दूसरे नंबर के उद्योगपति है, शिवराज सिंह चौहान की तरह नंगे भूखे घर के नहीं। कमलनाथ जी हिंदुस्तान के दूसरे नंबर के उद्योगपति है, शिवराज सिंह चौहान की तरह नंगे भूखे घर के नहीं। तो जैसा कि आपने देखा है कि लगातार उपचुनाव होने से पहले कई ऐसे वीडियो वायरल हो चुके हैं, जो कि लगातार सोशल मीडिया पर दोनों ही पार्टी यानी कि विपक्ष पार्टी एक दूसरे को तंज कसने में लगी हुई है। तो ये था वॉइस ओएमपी की तरफ से अभी तक का अपडेट। अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए वॉइस ओएमपी न्यूज पर, और लगातार ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए लगातार देखते रहिए वॉइस ओएमपी न्यूज। धन्यवाद।